हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओ टू एन डिजिटल एजुकेशन। दिस इज अमरपाल मलिक, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ 10th क्लास, ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 6.1, हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 6.1, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी करेक्ट वर्ड गिवन इन दी ब्लैंक्स, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास जो थी हमारी 9th, उसमें हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बच्चों, इसमें बेटा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या होता है बेटा, शेप और साइज का। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है उसमें बेटा, शेप और साइज क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझिए कि मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर बेटा मैंने ये हाथ रख दिया, तो ये बेटा इसको पूरा कवर कर रहा है नहीं, तो इसका बेटा इन दोनों हाथों का जो है, जो मेरे बोथ हैंड्स है, इनका बेटा शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, और सिमिलर को समझने के लिए क्या होता है कि सिमिलर में बच्चों साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करती है। शेप में एक जैसी होनी चाहिए फिगर, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी सिमिलर कहलाएंगे। जैसे बेटा मेरा हाथ और आपका हाथ देखने में एक जैसा ही है, शेप सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे सिमिलर कहलाएंगे। बस बेटा इसी से देखो हम है ना, इस एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे इसी बात से। देखो बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी करेक्ट वर्ड गिवन इन दी ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है बेटा, तो ये जो बेटा, ये बेटा सर्कल्स जो होते हैं, ये बेटा छोटे भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। अब बेटा कॉन्ग्रुएंट तो तब होता जब इनका साइज भी क्या होता, सेम सेम होता है। लेकिन सर्कल्स बोलेंगे, सभी सर्कल्स क्या हो सकते हैं, छोटे भी, स्मॉलर भी हो सकते हैं बेटा, और लार्जर भी हो सकते हैं। इस वजह से बेटा ये तो कॉन्ग्रुएंट तो हमारा नहीं हुआ। और सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि सिमिलर फिगर्स में बेटा साइज मैटर नहीं करता है, शेप मैटर करती है। तो आप देखो बेटा, ये सर्कल्स जो है रहेंगे तो गोल ही, कितने सारे बना लो क्या रहेंगे बेटा, गोल ही रहेंगे। तो इसलिए बेटा इसमें क्या आएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, इसमें क्या पुट कर देंगे हम बच्चों, सिमिलर सिमिलर। ठीक है, अब बेटा हमारा सेकंड ऑप्शन, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा स्क्वायर्स में भी बेटा यही सेम रीजन है, यही सेम कंडीशन है। आप देखो स्क्वायर जो होगा वो बेटा छोटे बड़े हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं बेटा, छोटे बड़े हो सकते हैं स्क्वायर, है ना। लेकिन बेटा इनकी शेप तो एक जैसी रहेगी ना, शेप तो सेम रहेगी, है ना। अब इसमें बेटा जब शेप सेम रहेगी तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, ये भी सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर सिमिलर। अब बेटा थर्ड ऑप्शन, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बेटा ट्राइंगल्स कौन से वाले सिमिलर होंगे बेटा, आइसोसेलीज। आइसोसेलीज क्या होते हैं बेटा, जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे बेटा मैंने एक ये ट्राइंगल लिया, इसमें सपोज है बेटा ये टू साइड्स इक्वल है, ठीक है। एक मैंने बेटा एक ट्राइंगल इस तरीके से ले लिया, इसमें बेटा ये टू साइड इक्वल है। तो बच्चों अब इनमें देखो, क्या ये देखने में एक जैसी है, क्या ये शेप एक जैसी है, तो बेटा ये शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसलिए बेटा आइसोसेलीज जो होते हैं वो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, और जो बेटा इक्विलेटरल होंगे, क्या होंगे बच्चों, इक्विलेटरल होंगे, वो छोटे हो सकते हैं, बड़ा बना लो, लेकिन क्या होगी बेटा, उनकी शेप सेम रहती है। शेप वो कैसी होती है, एक जैसी रहती है, तो इसलिए बेटा क्या होगा, ये इक्विलेटरल। तो इसमें क्या आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल आ जाएगा बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर।
बेटा टू पॉलीगन्स हैं, है ना, उसमें है ना सेम सेम साइड्स हैं. इफ ए देयर, इफ ए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड प्रोपोर्शनल. बेटा इसके लिए आप समझ लीजिए कि जब दो ट्राइंगल्स हो या दो पॉलीगन्स हो, क्या हो बेटा, दो पॉलीगन्स हो या दो साइड ट्राइंगल्स हो, ट्राइंगल्स ही पॉलीगन ही होता है ना. तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोथ बोथ शेप के क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जैसे बेटा मैं टू शेप्स लेता हूं, ये स्क्वायर ले लिया बेटा 90 90 और ये भी बच्चों 90 90, ठीक है. अब बच्चों ये क्या मैंने, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर. अब बच्चों एक दूसरी शेप ले ली मैंने, ये भी क्या है, स्क्वायर है. अब यहां पे बेटा मैंने इसकी पहले वाली की नेमिंग कर दूंगा ए बी सी डी और ये हो जाएगा पी क्यू आर एस. इसमें देखिए बच्चों ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. और मैंने क्या ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. अब हम देखेंगे बेटा इन स्क्वायर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस. अब बेटा बोथ शेप में गए, इसमें क्या है बेटा, जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो बच्चों एंगल ए इक्वल टू है एंगल ये वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल पी के, एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल टू है एंगल आर के, एंगल डी इक्वल टू है बच्चों एंगल एस. और बेटा ये साइड का जो रेशियो है AD अपॉन में PS, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है AD अपॉन में क्या बच्चों PS इक्वल टू क्या है 2/4, कट करेंगे तो बेटा क्या आएगा 1/2. अब इधर देखो बेटा AB अपॉन PQ, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 2/4, तो ये भी क्या आया हमारे पास में 1/2. और बेटा ये BC अपॉन में क्या है बच्चों 2/4 और ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 1/2. इसी प्रकार से बच्चों ये जो DC अपॉन में SR 2/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, है ना. तो सभी का बेटा आंसर क्या आएगा, सेम सेम आएगा. तो बेटा साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो और बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू इक्वल होती है तो तब बोलते हैं हम ये बोथ फिगर्स कैसी होती है, सिमिलर होती है. क्या होती है बच्चों, ये बोथ फिगर्स कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है. अब बेटा इसमें लिखेंगे टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, 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 ठीक है बच्चों. इस प्रकार से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. तो बेटा जो सिमिलर फिगर्स होती हैं क्या होती हैं, वो देखने में एक जैसी होती हैं. क्या होता है उनकी बेटा शेप कैसी होती है, एक जैसी होती है. जैसे कोई छोटा लड़का बड़ा लड़का सिमिलर है बेटा, ठीक है. ताजमहल की छोटी वाली पिक और बड़ी वाली पिक्चर क्या है जी, सिमिलर है. कुतुब मीनार की छोटी वाली पिक्चर बड़ी वाली पिक्चर क्या कहलाएगी, सिमिलर कहलाएगी, ठीक है बच्चों. उनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए. अब सिमिलर फिगर्स के लिए क्या कर दिया बच्चों, मैंने एक स्क्वायर बनाया ये और एक बेटा बड़ा वाला स्क्वायर बना दीजिए और लिख दीजिए बेटा ये 1 1 1 और ये आप 4 लिख दो, 2 लिख दो, कोई भी 4 4 4, ठीक है 90 90 और ये भी बच्चों 90 90 90, ठीक है. एक तो बेटे बच्चों सिमिलर फिगर्स का एक तो ये पेयर बन गया है ना. और आप एक बच्चों सर्कल ड्रॉ कर दो,
एक ये सर्कल और एक थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्पल सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ट्राइंगल बना दो बेटा, इक्विलेटर ट्राइंगल, एक स्मॉलर साइज का बना दो, एक बेटा बड़ा बना दो, या दोनों का साइज सेम सेम बना दो, तब भी क्या होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा नॉन सिमिलर फिगर पे। अब नॉन सिमिलर फिगर तो बेटा बड़ा इजी है, इसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल पे क्या लिख दो, एक तो ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, दूसरा सर्कल कर दो। देखो क्या बेटा ये इनकी जो शेप है क्या सेम है, शेप सेम नहीं है, तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड पे चलो जी, सेकेंड पे, सेकेंड पे क्या करो जी, एक मैंने ये बना दिया स्क्वायर बना दिया, एक बना दिया मैंने पेंटागन, कुछ भी बना दो बच्चों, बस इसके जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने बेटा, हेक्सागन। ठीक है, तो ये बेटा ये सिमिलर नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने ये एग्जांपल्स आपको शो कर दिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रीड करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब बेटा हमारे पास में टू क्वाड्रिलेटरल्स गिवन में है, हमको ये पहचानना है कि ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा 1.53, तो बेटा 1.52 जा होता है 3, 1.52 जा 2 जा 2 जा, बेटा जो साइड का जो रेशियो है वो तो इक्वल आ रहा है ना, लेकिन बेटा एंगल जो है ये 90 डिग्री के है और ये एंगल 90 डिग्री के नहीं है। मैंने बोला कि अगर कोई भी बेटा पॉलीगन है उसको बेटा वो सिमिलर तब बोला जाता है जब उसकी साइड्स का रेशियो तो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होना चाहिए, और कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अब यहां पे देखोगे बेटा, हम लिख देंगे हेयर, हेयर पी एस अपॉन में ए डी इक्वल है पी क्यू अपॉन में ए बी, PQ अपॉन में AB इक्वल है QR, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली BC इक्वल है अब ये वाली बेटा RS अपॉन में क्या आएगा CD। ठीक है बच्चों, लेकिन बट एंगल P इज नॉट इक्वल टू है एंगल A। ठीक है बेटा, इसी पे सारे एंगल इक्वल नहीं, हम लिख देंगे हेयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, है ना। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल्स, गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। इसके साथ बेटा ये 6.1 सारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। और बेटा अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।